अस्सलाम वालेकुम हबीबी, कम टू दुबई की मेरी सीरीज चल रही है और आज मैं जा रहा हूँ दुबई की उन जगहों पर जहाँ जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। वैसे तो इस वक्त मैं पाम अटलांटिस में मौजूद हूँ और ये मेरे पीछे बड़ा ही ज़बरदस्त एक स्ट्रक्चर है होटल का, जिसे देख के मज़ा आ गया। हम लोग जाएंगे आज लामर बीच पे, उसके साथ हम लोग जाएंगे मदीनत जुमैरा, बहुत ही खूबसूरत बड़ी ही पीसफुल जगह है। और साथ में हम अपने इस प्रोग्राम को अटलांटिस से होते हुए जाएंगे, अगर वहाँ पे मोनोरेल चल रही हुई तो मोनोरेल जाएंगे, अदरवाइज फिर हम वहीं से चक्कर लगा के खाना खा के इस प्रोग्राम को एंड करेंगे। तो आज का एपिसोड दुबई की जो मस्ट विजिट प्लेसेस हैं उन पे है। सबसे पहले तो मैं आपको पीछे वाला होटल दिखाता हूँ, ए होटल चेक करो, उसके बाद अपना एपिसोड शुरू कराएंगे। सुबह मौसम बहुत ज़बरदस्त था तो मुझे रोज़ ही उम्मीद लग जाती है दुबई में कि आज शायद धूप ना हो, लेकिन वो 7:30 बजे तक ही ये आपको खुशफहमी रहती है। 8 जैसे ही बजते हैं तो आपकी सारी खुशफहमियाँ, गलत फहमियाँ सब कुछ दूर हो जाता है और एहो जी धूप बजती है ना कि 14 तबक रोशन हो जाते हैं। और अभी नवंबर स्टार्ट हो गया लेकिन धूप जो है वो अभी भी बड़ी तेज़ आ रही है यहाँ पर। पिछले 5 दिन से जो वर्किंग डेज मैंने यहाँ पे गुजारे हैं तो हफ्ते का दिन मैं लेके इजी था कि चलो हफ्ते वाले दिन ट्रैफिक कम होगी, लेकिन 1% भी फर्क नहीं पड़ा शायद। सुबह के वक्त थोड़ी कम थी लेकिन अभी उसी तरह से इशारे लंबे लंबे आ रहे हैं। लंच में भी टाइम है और अभी धूप भी थोड़ी तेज़ है तो जुबैर ने पूछा क्या करें, तो मैंने कहा यार रोक ना, फिर किसी कुछ खा भी लीजिए, अभी धूप थोड़ी तेज़ है तो आधा पौना घंटा गाड़ी में बैठेंगे, साथ कॉफ़ी पियेंगे। अगर एक बंदे ने 5 दिन का कश्मीर का टूर किया ना और वो आके स्टोरी सुना रहा है और बाई चांस वो नीलम विलेज नहीं गया तो अगले बंदे ने कहना लै वही तो जगह थी वेखन वाली। तो ये टीम होटल जब पाकिस्तान में खुला था लाहौर में तो उन्होंने ग्लोबल रिकॉर्ड ब्रेक किया था, लोग 2 पीस पहन के लाइनों में लगे हुए थे। हालांकि ये कैजुअल कैफ़े शॉप है, इट्स जस्ट, इसमें कोई अड्डा कोई वड्डी साइंस नहीं की, लेकिन आज मैंने फाइनली पी लिया है और इस बात पे मुझे मुबारकबाद पेश की जाए। लेकिन जुबैर कह रहा था कि ये टीम होटल जो है ये बिल्कुल कैनेडियन टेस्ट का है, इसने कैनेडा से भी पिया हुआ है तो है वैसे चीज़ मज़ेदार। मैंने पहला सिप लगाया तो मैंने यूसुफ लुदा लगाया। तो फर्स्ट स्टॉप ओवर है हमारा लामर बीच, लामीर है या लामर है, लामर ही होगा। और ये इतना खूबसूरत बीच है, ज़ुबैर मुझे बता रहा था कि जिस जगह पे इस वक्त हम खड़े हुए हैं और जहाँ पे हमारी गाड़ी चल रही थी ये सारा पहले बीच था, यहाँ पे पानी होता था। इस सारे को पीछे करके ये जो अरबी हैं यूएई वाले के समुंदर के साथ बहुत अश्लीलियाँ करते हैं तो इन्होंने बीच को थोड़ा पीछे करके यहाँ पर पूरी एक मार्केट बना दिया। और इसका जो ज़बरदस्त किस्म का व्यू होगा वो होगा शाम के वक्त, शाम को भी हम यहाँ से गुजरेंगे, वापसी पे हम यहाँ से गुजर के जाएंगे और यहाँ का नज़ारा लेके जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे बच्चे बुच्चे रेडी हो रहे हैं नहाने वास्ते, लेकिन हमारा नहाने का प्लान नहीं है। ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो 3 किलोमीटर तक फैला हुआ है और किस कदर मेहनत की गई है यहाँ पर, कमाल है। टूरिज़म ड्रिवन कंट्री है और वाकई इन्होंने कोई नहीं छोड़ी इसमें कमी। इस वक्त यहाँ पर जितने भी हम देख रहे हैं टूरिस्ट उनमें से मेजॉरिटी पीपल जो है वो फॉरेनर्स ही है और वो यूरोपियन और यूके कनाडा अमेरिकन ही हैं। एशियन कम्युनिटी तो ज़्यादातर यहाँ पे जॉब करती है, ज़्यादातर टूरिज्म के लिए कम लोग आते हैं, इंडिया से आते हैं काफ़ी। और आप चेक करें क्या ज़बरदस्त तरीका है कि सीवरेज के पानी को रिसाइकल करके उसको ट्रीट करके वापस भेज दिया जाता है और अंडरग्राउंड पूरी वायरिंग है। और ये मैं देख रहा था हर दरख्त के साथ ही थी तो मैंने से पूछा, मैं कहा यार ये हर दरख्त के साथ तारे किस चीज़ की लगी हुई हैं, तो उसने मुझे बताया ये तारे नहीं हैं ये पाइप्स हैं और ये स्प्रिंकल वाटर के ज़रिए इनका टाइमिंग है ख़ास, तो यहाँ पे इनको पानी दिया जाता है। ये रिसेंट ईयर्स में ही डिवेलप किया गया बीच और यहाँ पर जो इसकी कंस्ट्रक्शन थी वो अगले 20-25 साल को जहन में रख के की गई है कि अगर कोई बंदा यहाँ पे बिज़नेस करना चाहता है, कोई क्योस लगाना चाहता है, कोई ड्रिंक्स बेचना चाहता है तो वो इसकी फ़ीस पे करेगा इस क्योस की, ये जो उन्होंने बनाई है, और वो यहाँ पे अपनी कोई भी चीज़ सेल कर सकता है, मतलब ड्रिंक्स लगा लें आप।
वैसे साहब अगला हमारा क्या प्लान है? आगे हम लोग जाएंगे मदीना जुमेरा में, जो कि बुर्ज अरब के बिल्कुल साथ वाला ही ब्लॉक है, और वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे व्यूज हैं और कंस्ट्रक्शन बड़ी अच्छी है, वो भी देखने लायक। ये भी नया बना है मदीना जुमेरा तो काफ़ी देर से है। एंट्री फीस है? कुछ एंट्री फीस तो नहीं है कि अनलेस आपको किसी रेस्टोरेंट में जाना है, सच एज कोई एंट्री फीस नहीं। ठीक हो गया। लो जी, नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारी है लामर से मदीना जुमेरा। मदीना जुमेरा अरबी कल्चर में बना एक लग्जरी किस्म का शॉपिंग सेंटर और होटल है, और मुझे यहाँ एंटर होते ही पता चल गया था कि मैं यहाँ से ना तो कुछ खा सकता हूँ और ना ही कुछ ख़रीद सकता हूँ। चलो विंडो शॉपिंग ही सही। अच्छा, जैसे ये मार्केट से बाहर निकले हैं तो दुनिया ही बदल गई है। इतना खूबसूरत यहाँ पे सिटिंग है रेस्टोरेंट्स की, इसके पीछे इन्होंने एक छोटा सा झील सी बनाई हुई है, और हम जा रहे हैं झील के भी पिछली साइड से जहाँ पे हमें बुर्जुल अरब के शॉट्स मिलेंगे करीब से। यहाँ पे आप अपनी बोट राइड भी बुक कर सकते हैं, और जो बोट है वो इस पूरे कॉम्प्लेक्स में से गुजरती है। जो वाटर टनल्स हैं ये बिल्डिंग के अंदर से भी जा रही हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ, और हर जगह से घूम के जाती है, और पानी का कलर भी इतना ज़बरदस्त लश ग्रीन इन्होंने बनाया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत एहसास है। और नीचे जो रेस्टोरेंट कैफेज़ बने हुए हैं वो भी कोई 500-400 बंदे की सीटिंग के लिए बने हुए हैं, बहुत ही बड़ा ये कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, ये जो जगह है वैर साहब, ये आपने बहुत अच्छी इन्वेंशन करवाई है, नहायत खूबसूरत पुरसकून और होटल, लेकिन आप बता रहे हैं कि 5 स्टार से भी कोई अगली चीज़ है, मतलब ओ पॉजिटिव गुर्दा ब्राइस होता है यहाँ पे रात गुजारने के लिए। बड़ी एक एक्सपेंसिव और ऐसी जगह है कि जो हर बंदे को अमेज करती है, और हर तरह की फैसिलिटी, हर तरह की इन्जॉयमेंट और जो भी इंटरटेनमेंट आप सोच सकते हैं। इन्वायरमेंट बड़ा पीसफुल है यार यहाँ पे, मतलब क्योंकि एक और ओएसिस टाइप बनाया है। हाँ। पानी का टच है साथ में, पाम ट्रीज हैं, तो जैसे एक ओएसिस में एनवायरनमेंट रहता है, ये अरेबियन ओएसिस टाइप की जो है टच है इसमें। और इनकी जो बिल्डिंग्स हैं वो भी रिलेट करती हैं इनके कल्चरल हेरिटेज को। और यहाँ पे जो है वो मेरा ख्याल सिर्फ हम दो ही एशियन को मंडे हैं, बाकी जो है यहाँ पे 90% सारे फॉरनर यूरोपियन हैं और अमेरिकन कैनेडियन हैं। नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज अटलांटिस फार्म जुमेरा, और यहाँ पे एक राइड मिलती है 40-50 दिरहम की, अलग रहे हो वहाँ से फिर हम लोग विजिट करेंगे सारा। एक मोनो रेल होती है वो आपको सैर करवाती है, तो ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस भी नहीं की थी पहले, तो टाइम थोड़ा रह गया इसलिए हम भागम भाग आगे जा रहे हैं।
अभी मोनो रेल नहीं चल रही, लेकिन मेरा ख्याल था कि जो मोनो रेल है वो आपको पूरे पाम के अंदर चक्कर लगवाती है, लेकिन सारे से आपको लेके आती है पाम अटलांटिस होटल की ओपनिंग तक। तो मैं कहा ये तो कोई इतना वो नहीं है, मेरा ख्याल था शायद वो सारा चक्कर लगवाएगी। मुझे उस होटल से ज़्यादा खूबसूरत ये होटल लगा है, और यहाँ पे शाम ज़बरदस्त है, खूबसूरत शाम है यहाँ पे, नहायत साफ खूबसूरत मौसम, और पर्शियन गल्फ मेरे सामने और पर्शियन शहजादा आपके सामने, और क्या हो सकता है, अब यही हो सकता है कि बंदा जाके रोटी खा ले अच्छी सी। अस्सलाम वालेकुम, हबीबी कम टू दुबई की मेरी सीरीज़ चल रही है, और आज मैं जा रहा हूँ दुबई की उन जगहों पर जहाँ जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। वैसे तो इस वक्त मैं पाम अटलांटिस में मौजूद हूँ, और ये मेरे पीछे बड़ा ही ज़बरदस्त एक स्ट्रक्चर है होटल का, जिसे देख के मज़ा आ गया। ये बुर्ज अल अरब के सामने जो एरिया है, बेसिकली अरबियों की रेजिडेंस है, यहाँ पे बड़ा फेमस होटल है ये ईट एंड ड्रिंक रेस्टोरेंट। ज़ुबैर ने इसकी बड़ी तारीफ़ की है, और कह रहा था इनका जो मटन का शोरबा है ना यखनी, वो बहुत मज़े की होती है। तो मैंने उसे कहा, अभी वो बात कर रहा था, मैं कहा मोड़ना है, तो यहाँ पे आए हैं हम लोग, खाना यहाँ से इंशाल्लाह खाते हैं, और बड़ा मज़े का लग रहा है यहाँ पे। ये इनका सिग्नेचर सूप है, ज़ुबैर साहब का कहना है। अच्छा, इसका अरेबिक टच है बड़ा। अच्छा, मैं यखनी समझ रहा था, यखनी हो। 11 बजे मैंने खाना खाना है, इसलिए फिर मैं चाइनीज़ खा रहा हूँ और श्रिम्प खा रहा हूँ, ताकि 11 बजे तक जो है ना वो फिर भूख लग जाए। होटल है, इसका एनवायरनमेंट मुझे बड़ा अच्छा लगा, मतलब सड़क के ऊपर और बेहतरीन एनवायरनमेंट है, पीछे आपको बुर्ज अल अरब भी नज़र आता है। इसके ऊपर इन्होंने मस्टर्ड सॉस डाली हुई है, सैलड के अंदर इनको सजावट की हुई है, और हमसे छुपाने की पूरी कोशिश की है कि लुक जाए, लेकिन उन्होंने पता घातक शिकारी इस वक्त मौजूद है, डायनामाइट करने सॉरी शरीम। ये मुझे बड़ा लग रहा है थोड़ा, अभी थी ना जी, अभी थी ना, ये चेक करें, एवोकाडो सोते हैं इनका शेक, मैं बड़ा मजा का एवोकाडो फालूदा देखा है, क्या कड़ी मंगवाई हमने, प्रॉन्स, अरे वाह, सौते वेजिटेबल्स की एक प्लेट थी, साथ में हमने चावल और नूडल्स लिए हैं, नूडल्स, वाजिबा। अच्छा, ये जो सौते वेजिटेबल्स हैं ये शेजवान सॉस में, ऑयस्टर सॉस है, वो भी एक जैसी होती है वैसे, ऑलमोस्ट रंग को जैसा होता है, मैंने शेजवान रेड, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि 11 बजे हमने खाना दोबारा खाना एक, और अभी बजे हैं 7, तो 4 घंटे मेरे इस प्लेटर से नहीं निकलने, विच हो सकता है 9 बजे भी कुछ और खा लिए। हाँ जी, स्टार फिश। आज की जो शाम है वो हमने एवोकाडो जूस के नाम की है, और एवोकाडो को लेके एक बड़ा फनी सा है इंसिडेंट। मैं टर्की जब गया, मैंने पहली दफ़ा एवोकाडो तब खाया था, और ग्रिल एवोकाडो हम ब्रेड पे लगा के खाते थे, या सैलड एवोकाडो सैलड नुसरत से खाया, तो बड़ा मज़ेदार लगा। जब मैं पाकिस्तान वापस आया ना, तो हमारे घर के पास एक मार्केट है जूस की, 8-10 दुकानें हैं, वहाँ पर लिखा हुआ था एवोकाडो का जूस दस्तियाब है, तो मैंने कहा अच्छा, इसका नाम एवोकाडो होता है, मैं इसको एवोकाडो समझ रहा था, तो वहाँ के मैंने अपनी बेगम को बताया, मैं कहा यार वो एवोकाडो सैलड ही, तो कहती हाँ, मैं कहा वो एवोकाडो नहीं होते, वो एवोकाडो होते हैं लेकिन वो बाद में पता चला कि एवोकाडो नहीं, एवोकाडो ही उन्होंने गलत लिखा हुआ था। तो ये यहाँ की बड़ी हिट चीज़ है एवोकाडो जूस,
इसको पी के हम निजामे जिंदगी कायम करेंगे, चेक करते हैं कैसा। फुल रिफ्रेशिंग हेल्दी एंड दैट्स ऑल। टेन ड्रिंक की इस पूरे यूएई में बहुत ज़्यादा ब्रांचेज हैं, और जब आप इटिनररी लेते हैं ना दुबई के टूर की, तो उसमें सिस्टम आपको सजेशन देता है कि आप यहाँ से खाना खाएं, यानी कि ये इतना फेमस है। और जिस तरह से यहाँ पे फॉरेनर्स आ रहे हैं ना, ये ट्रिप एडवाइज़र पे भी है, ट्रिवागो पे भी है, और काफ़ी मैं अंदर से होके आया हूँ, बड़ा अच्छा इनका साफ़ सुथरा किचन है, और जिस तरह से लोग आ रहे हैं, और इनका बहुत ज़्यादा काम डिलीवरी का चल रहा है। अंदर इतने ज़्यादा पैकेट्स बने हुए थे, वो डिलीवरी के लिए जा रहे थे, तो आपका जो रोटेशन होती है ना खाने की, जो इस तरह से वो निकल रहा होता है, ये भी बताता है कि टेस्ट अच्छा है। हबीबी कम टू दुबई जो है वो अपने इख्तिताम की तरफ पहुँचा। यहाँ पर हर तरफ फॉरनर भी बैठे हुए हैं, लेकिन एक दो इंडियन पाकिस्तानी फैमिलीज भी हैं, तो बच्चे रोंद रहे हैं। अच्छा तुम हिसाब ला लो, है खाना बहुत मज़े का था। ईट एंड ड्रिंक, ये जुबैर साहब की पेशकश थी। जुबैर साहब थैंक यू, जुबैर साहब ने मुझे होस्ट किया है इस टूर में, और बड़ा ही ज़बरदस्त टाइम गुजरा। और अब आपने मुझे गैस करना है कि अगली सीरीज़ मैं कौन सी लेके आ रहा हूँ। हिंट मेरा ये है कि है इंटरनेशनल, तो ये आप बताइएगा मुझे, और आज के सफ़र के बारे में बताइएगा। मैंने पर्सनली बड़ा इन्जॉय किया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। अल्लाह हाफ़िज़।